हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स क्लियर करवाए थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के। अब मैं आपको शुरुआत करने से पहले, क्योंकि मैंने आज आपको परफॉर्मा करवाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा शुरू करने से पहले मैं आपको रिकैप करवा दूँ थोड़ा सा कि आपने कल पिछली वीडियो में आपने सीखा कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीन एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। जो पहली एक्टिविटी होगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, जिसमें आप डे टू डे इनकम या डे टू डे एक्सपेंसेस कवर करते हो। दूसरी एक्टिविटी हमने पढ़ी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें आप फिक्स्ड असेट्स नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड जो चीज़ें हों वो कवर करते हो। और तीसरी जो एक्टिविटी जो आपने पढ़ी थी कल, वो आपने पढ़ी थी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें आप शेयर कैपिटल, लोन या डिबेंचर्स रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो कंसिडर करते हो। सो आज अब मैं इसका परफॉर्मा शुरू करने जा रहा हूँ। परफॉर्मा जो शुरू होता है इसका, वो होता है इसमें जो मेन हेडिंग होगी वो होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दो कॉलम बनाए जाएंगे। जो ये कॉलम होगा ये आपका किसी भी तरह का इनफ्लो या किसी भी तरह का आउटफ्लो जो है वो यहाँ इस कॉलम में आएगा। उसके बाद जो फाइनल अमाउंट होगा, फाइनल अमाउंट आपका यहाँ निकलेगा जो दूसरा कॉलम बनाया गया। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ए हेडिंग डालोगे, ए पॉइंट डालोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये आपकी पहली एक्टिविटी है। सो इसमें जो शुरुआत होगी आपकी वो नेट प्रॉफिट से होगी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कैलकुलेशन जो है की हुई है। इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट करने से पहले आपको ये चीज कैलकुलेट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होनी है। सो उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइब्रेरी साइड में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मिलेगा। उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट जो होगा उसमें से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो आप माइनस करोगे, जो अमाउंट आपके सामने आएगा वो आपका डिफरेंस अमाउंट होगा। इसके बाद आपने कुछ चीजें उसमें ऐड करनी है, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व उसमें ऐड किया जाएगा। इंटरिम डिविडेंड उसमें ऐड किया जाएगा, प्रपोज डिविडेंड उसमें ऐड किया जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स उसमें ऐड किया जाएगा, और जो अमाउंट आपके सामने निकल के आएगा उसमें से सिर्फ एक ही चीज लेस की जाएगी, वो है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करने के बाद आपके पास जो फिगर निकल के आएगी वो होगी आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो यहां से आपके क्वेश्चन की शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। याद करने के लिए एक फॉर्मूला याद कर लो, इनके पहले पहले लेटर याद कर लो, TIPP, यानी TIPP, यानी T फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, I फॉर इंटरिम डिविडेंड, P फॉर प्रपोज डिविडेंड और P फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। सो अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको याद हो जाएगी। सो सबसे पहली शुरुआत अपनी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होगी। इसके बाद जब आपको ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलने के बाद आपने एडजस्टमेंट्स करनी है। वो एडजस्टमेंट्स किससे रिलेटेड होंगी, वो एडजस्टमेंट्स होंगी आपकी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स से रिलेटेड होंगी, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब ये कौन सी होंगी, इसमें कुछ ऐड की जाएंगी, और ऐड क्या होगा वो मैं आपको यहां पर साइड पर बता देता हूं। आपने ऐड क्या करना है, ऐड करेंगे आप नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस या लॉसेस। इसमें ऐड किए जाएंगे आपके नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस। नॉन कैश ऑपरेटिंग, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस कौन से होंगे, उसके मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश आइटम है। ऐसे ही पेटेंट राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ, या फिर किसी तरह का कोई लॉस, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये भी आप इसमें कंसिडर करोगे, ये भी आप इसमें ऐड करोगे। इसके बाद आप जो जो चीजें लेस होनी है वो कौन कौन सी चीजें होंगी, इसमें नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम या गेन, यानी कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिव, नॉन ऑपरेटिंग गेन।
किसी भी तरह की कोई इनकम, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कोई फिक्स्ड असेट सेल करने पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, यानी ये आपको अगर प्रॉफिट हुआ है फिक्स्ड असेट बेचने पर, तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। इसी तरह से जैसे कोई इंटरेस्ट आपने रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव, वो इसमें आएंगे। सो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। सो ये चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। जब आप एडजस्टमेंट्स करोगे तो कौन सी चीज़ें ऐड करनी है आपने जो आपके नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे। नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम या गेन वो आपकी लेस की जाएंगी। सो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है या गेन कौन से हैं। सो इसके बेस पर ही आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट्स की जाएंगी। सो ये सारी की सारी आइटम्स आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे डेप्रिसिएशन लिख लिया। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं, क्योंकि इसका पूरा फॉर्मेट जो है वो तो काफ़ी लेंथी है, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक कंसेप्ट के साथ बताऊंगा कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस वो आप ऐड करोगे। इसमें आपके गिने चुने जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपके लिखे हुए हैं। बाकी इसके अलावा आप कंसेप्ट को ध्यान में रख के चलोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद लेस की जाने वाली आइटम्स आपकी कौन सी होंगी, लेस की जाने वाली आइटम्स होंगी आपकी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड आपने रिसीव किया है, वो यहां पर लेस किया जाएगा। सो इसके बाद एक फिगर आपके सामने निकल के आएगी। ये सारी आइटम्स लिखने के बाद, जैसे मान लीजिए कि आपने ये सारी आइटम्स लिख दी, प्रॉफिट जो है लेस किया जाएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है फॉर्मेट में। अगर तो पैसे का इनफ्लो, जैसे जो चीजें ऐड होनी है वो सारी की सारी ब्रैकेट के बाहर होंगी, जो चीजें लेस होनी है वो ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएंगी। तो यहां पर ब्रैकेट के बाहर सिर्फ ऐड होने वाली चीजें लिखनी है आपने। तो यहां पर जो फिगर निकल के आई आपकी, उसको हम हेडिंग देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले। इसके बाद जब आपको ये हेडिंग मिल गई, इस हेडिंग के बाद आपने करंट असेट और करंट लायबिलिटी जो है वो आपने कंसिडर करने हैं। जैसे आप ऐड क्या करोगे, ऐड में आप एक कंसेप्ट याद रखिए कि आपने कौन से करंट लायबिलिटी कौन सी ऐड करनी है, कौन सी लेस करनी है, करंट असेट्स कौन से ऐड होंगे, कौन से लेस होंगे। सो इसके लिए आपके लिए एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, वो है कि एसेट के केस में, मैंने वैसे आपको कल शायद बताया हो पिछली वीडियो में, एसेट के केस में आपने एक गोल्डन रूल याद रखना है कि अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप लेस करोगे। एसेट इंक्रीज होने पर आप उसको लेस करोगे, यानी वो आपका कैश आउटफ्लो माना जाएगा। अगर कैश, अगर एसेट्स डिक्रीज हो, कम हो रहा हो, तो आप क्या करोगे, कैश को बढ़ाओगे, ऐड करोगे, मतलब ये आपका कैश का इनफ्लो होगा। इसी तरह से लायबिलिटी के केस में, लायबिलिटी के केस में अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप ऐड करोगे, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आप लेस करोगे। मतलब एक सीधा सीधा सा रिलेशन है कि अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको आप ऐड करो, अगर लायबिलिटी कम होती है उसको आप लेस करो। इसके लिए एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एसेट का एग्जांपल लें, मैं आपके लिए यहाँ पर बिल्डिंग का एग्जांपल लेता हूँ। सो बिल्डिंग 2020 और 2021, मान लीजिए बिल्डिंग 2020 में आपके लिए 50,000 की थी, जो बढ़ के 70,000 की होगी 2021 में। ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका करंट ईयर है। आपको कैसे पता लगेगा कि असेट बढ़ा या असेट कम हुआ? अगर ये प्रीवियस ईयर से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब असेट इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पर बिल्डिंग बढ़ गई। सो इससे क्या क्लियर होगा, अगर बिल्डिंग बढ़ी है इसका मतलब ये है कि आपने करंट ईयर में बिल्डिंग और परचेज की है। सो और परचेज की है इसका मतलब ये है कि आपके पास से जो कैश है वो आउटफ्लो हुआ। सो इसको आप आउटफ्लो मानोगे। आउटफ्लो का मतलब है आपने वो चीज
लेस करनी है, तो जब असेट बढ़ेगा तो आप लेस करोगे। अब इसके बिल्कुल अपोजिट, अगर लाइबिलिटी, अगर ये बिल्डिंग जो है कम होती है, अगर ये बिल्डिंग मान लीजिए प्रीवियस ईयर में ज़्यादा सी या करंट ईयर में कम हो गई, तो उसका मतलब ये होगा कि आपने बिल्डिंग सेल की है। सो सेल करने पर आपको कैश का इनफ्लो होगा, सो उसको आप, अगर असेट कम होगा तो उसको आप ऐड करोगे। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। लाइबिलिटी वाले केस में बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन है कि लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको आप प्लस करोगे। लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब है अगर क्रेडिट्स बढ़े या अगर लोन बढ़ा, अगर शेयर कैपिटल बढ़ी, इसका मतलब ये है कि आपके पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश आ रहा है। अगर लाइबिलिटी कम हुई, इसका मतलब आप पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट करने पर आपके पास से कैश जाएगा, सो वो आउटफ्लो होगा। सो ये चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। सो ये गोल्डन रूल जो है आप जरूर ध्यान में रखोगे। इसी के बेस पर आपने यहाँ पर लिखना है कि ऐड क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट जो है वो लेस होंगे, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी वो आपकी लेस होगी। और अब यहां पर आपके पास जो अमाउंट निकल के सामने आएगा, उस अमाउंट को आप हेडिंग दोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ये वो कैश है जो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है। अब इसके बाद सिर्फ एक लास्ट स्टेप रह जाएगा, उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा काम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। मान लीजिए कि अगर आप क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन शुरू करने पर आप ये चीज ध्यान रखोगे कि जब भी आप क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट का, आपको आप जैसे मान लीजिए कि आप एक पेज के ऊपर अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो, एक पेज में आधा पेज आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए लगेगा, मतलब कम से कम हाफ पेज आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आइटम्स इसी में आने वाली है। सो इसलिए आधा पेज आपने इसके लिए रखना है और आधा पेज आपने बाकी दोनों एक्टिविटीज के लिए रखना है, उसमें कुछ ज्यादा आइटम्स नहीं है। सो सबसे मुश्किल इसमें यही है। सो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको मिल गया, कैश जनरेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद आपने इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स वो आपने इसमें से लेस करना है। लेस करने के बाद आपको जो फाइनल अमाउंट मिलेगा, उस अमाउंट को आप यहां बाहर निकालोगे और क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये आपके पास क्या आ गया, कैश फ्लो आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब ये फाइनल अमाउंट आपको बाहर निकला है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहां पर जो आपने हेडिंग डाली है पहली, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका फाइनल अमाउंट हमको यहाँ जाके मिला है। ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये अमाउंट बाहर निकला। अब आपके पास एक अमाउंट आ गया बाहर, इसके बाद दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी। दूसरी एक्टिविटी मैं यहाँ पर आपको साइड में बना देता हूँ, ताकि ये भी आपके सामने रहे और ये एक्टिविटीज भी आपके सामने रहे। तो मैं यहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज में बनाने जा रहा हूँ। आपके पास फिर वही दोनों कॉलम होंगे, यहां पर आप हेडिंग डालोगे बी, लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपकी सेकेंड हेडिंग है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाएंगी, कौन कौन सी आइटम्स आएंगी, इसमें आपने ध्यान रखना है। इसमें आपने फिक्स्ड असेट्स जैसे बिल्डिंग होगी, प्लांट हो गया, मशीनरी होगी, वो सारी चीजें आपने इसमें इंक्लूड करनी है। अगर परचेज है, सेल है, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी वो इन्वेस्टमेंट्स आपने इंक्लूड करनी है जो नॉन करंट है, मतलब जो जिनको हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इसमें आएंगी आपकी। तो इसमें आउटफ्लो कैसे होगा, आउटफ्लो होगा अगर आप परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अगर आप फिक्स्ड असेट्स परचेज करोगे, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर आप परचेज करोगे, तो आपके पास से कैश आउटफ्लो होगा, यानी इसको आप क्या करोगे, लेस करोगे। सो इसी के अपोजिट बिल्कुल, अगर आप सेल करते हो किसी भी तरह का कोई फिक्स्ड असेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने सेल की, तो कैश का इनफ्लो होगा। सो वो चीज आप ऐड करोगे।
तो इसमें याद रखना है ये चीज आपकी लेस होगी, ये ऐड होगी। इसके बाद वैसे भी आपको यहां से पता लग ही गया होगा कि ब्रैकेट में मैं जो चीज लिख रहा हूँ वो आपकी लेस होने वाली चीज है, यानी वो आपका आउटफ्लो है, जो आपका ब्रैकेट के बाहर है वो आपका इनफ्लो है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। इसके बाद दो आइटम्स जो आएंगी वो क्या आएंगी, अगर आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव कब होगा, जब आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो वो आपका एक इनफ्लो होगा, सो वो आप यहाँ पर ऐड करोगे, सो ये भी ऐड होगा। इसके बाद अगर आपने किसी शेयर में पैसा डाला है तो आपको उसके बदले में डिविडेंड रिसीव होगा, सो डिविडेंड रिसीव्ड भी जो है वो आपका यहाँ पर ऐड किया जाएगा, सो वो भी यहाँ आइटम ऐड की जाएगी, डिविडेंड रिसीव्ड। इसके बाद जो फाइनल अमाउंट आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर जो आपका फाइनल अमाउंट आया उसको आप यहाँ पर बाहर निकालोगे और हेडिंग क्या डालोगे यहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए ये अमाउंट प्लस में आ गया, ये अमाउंट पॉजिटिव है प्लस में आया, आप लिखोगे फ्लो फ्रॉम। अगर ये अमाउंट मान लीजिए माइनस में आ गया, जैसे यहां पर मान लीजिए ये अमाउंट माइनस में आ गया, तो आप फ्लो की जगह पर वर्ड यूज करोगे यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन। अगर अमाउंट माइनस में आया तो आप कैश यूज्ड इन वर्ड यूज करोगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर ये अमाउंट माइनस में आता है, अगर ये अमाउंट प्लस में आया तो आप यूज करोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब तीसरी एक्टिविटी, क्योंकि अब ये दूसरा अमाउंट हमको बाहर मिल चुका, एक अमाउंट ये था, एक अमाउंट ये मिल गया हमको, इसके बाद तीसरा अमाउंट जो आपका, तीसरी हेडिंग जो आपकी आएगी वो आएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आपका तीसरी हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप कौन सी चीजें कंसिडर करोगे, इसमें बेसिकली आपके शेयर कैपिटल आएगी, इसमें चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, या कोई लोन लिया आपने, या कोई लोन की पेमेंट की है, या डिबेंचर आपने इशू किए हैं, वो सारी चीजें आप कंसिडर करोगे। सो इसमें सबसे पहली चीज शेयर्स, अगर आप इशू ऑफ शेयर्स, अगर शेयर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने शेयर और इशू किए, तो इसको लिखेंगे आप इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इससे आपको इनफ्लो होगा। सो याद रखिएगा ये आप ऐड करोगे, मैं यहां पर ऐड और माइनस इसलिए लिख रहा हूं कि आपको पता लग जाए, वैसे ये आपने लिखना नहीं है यहां पर, वो आपको यहीं से पता लग जाएगा कौन सी चीज ऐड हो रही है, कौन सी चीज लेस हो रही है, लेस होने वाली ब्रैकेट में लिखी जाएगी। दूसरी चीज यहां पर क्या आएगा, अगर आपने किसी तरह का कोई लोन बोरो किया है, लोन बोरोड या लोन टेकन, अगर आपने कोई लोन लिया वो यहां पर एक इनफ्लो होगा आपके लिए, पैसा आया आपके पास। उसके बाद डिबेंचर, अगर आप डिबेंचर अगर इंक्रीज होते हैं, प्रीवियस ईयर में डिबेंचर कम थे, करंट ईयर में डिबेंचर ज्यादा हो गए, इसका मतलब यह है आपने डिबेंचर इशू किए हैं, तो डिबेंचर इशू करने पर आपके आपका जो कैश है वो इनफ्लो होगा, तो यहां पर आप लिखोगे इशू ऑफ डिबेंचर। इसके बाद यही तीन चीजें अगर पेमेंट की जाएगी, जैसे मैं ये कहूँ कि अगर शेयर जो है बाय बैक किए जाए, बाय बैक ऑफ शेयर्स, तो ये आपके लेस दे जाएंगे, इसको आप आउटफ्लो मानोगे, ये आपका आउटफ्लो है। इसके बाद दूसरी आइटम आएगी आपकी लोन से रिलेटेड, अगर आप पेमेंट करते हो, पेमेंट ऑफ लोन या लोन पेड, अगर आपने लोन पे किया वो आपका आउटफ्लो है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम जो आएगी आपकी डिबेंचर से रिलेटेड है, अगर आपने डिबेंचर्स को रिडीम कर लिया, रिडम्पशन कर ली, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो भी आपका आउटफ्लो होगा। सो अब आपके पास यहां पर एक फाइनल अमाउंट निकल के बाहर आया, उसको आप दूसरे कॉलम में ले जाओगे, ये अगर प्लस में आया तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर ये अमाउंट माइनस में आया तो आप लिखोगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो आपके पास तीन अमाउंट आ चुके हैं,
तीन अमाउंट आने के बाद यहाँ पर आप लाइन लगाओगे, उसके बाद ये तीनों, क्योंकि आपके पास तीन हेड हैं ए बी और सी, तीनों के एक एक अमाउंट आपके पास बाहर आ गए। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल अमाउंट है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फाइनल अमाउंट है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फाइनल अमाउंट है। सो तीनों एक्टिविटी का फाइनल अमाउंट आने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। इसमें खास बात है कि यार जरूर ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि जब ये चैप्टर शुरू किया था हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पढ़ा था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपने काफी सारी चीजें कंसिडर की थी, जैसे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक, बैंक ड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स। वो सारी चीजें जब आप प्लस करोगे उनका ओपनिंग बैलेंस, मतलब अगर प्रीवियस ईयर सारा प्लस कर लिया जाए, करंट ईयर सारा प्लस कर लिया जाए, जब आप करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करोगे कैश का या कैश इक्विवेलेंट का, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो डिफरेंस अमाउंट आपका यहाँ होगा। सो आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही आंसर पता होगा मेरा आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस अमाउंट आया यहाँ प्लस करने के बाद, जो भी आपका आया इनफ्लो आउटफ्लो, अगर ये माइनस में आया इसका मतलब ये है कि आपका कैश जो है आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, अगर ये प्लस में आया इसका मतलब आपका जो कैश है वो इनफ्लो हुआ ज्यादा, अगर ये प्लस में आया तो। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आप प्लस करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आप ऐड करोगे। मतलब ये है जो सारी आइटम्स आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर किए हैं उनका जो करंट ईयर का जो बैलेंस होगा वो आप ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का जो यहाँ पर बैलेंस होगा, प्रीवियस ईयर को आप सारा प्लस कर लोगे। प्रीवियस ईयर प्लस करने के बाद जो भी यहाँ पर अमाउंट आएगा, जब ये अमाउंट और ये अमाउंट, यानी ये अमाउंट जो आपका डिफरेंस अमाउंट आया तीनों को प्लस माइनस करने के बाद या तीनों को सॉल्व करने के बाद, ये जो अमाउंट आपको मिल रहा है इसमें आप ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्लस करेंगे, और ये ऑटोमेटिकली अमाउंट आपका क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना चाहिए। ये कौन सा क्लोजिंग बैलेंस होगा? ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये अमाउंट इसके इक्वल आना चाहिए। अगर ये अमाउंट इसके इक्वल आया इसका मतलब आपने बिल्कुल कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनाया है। सो आपको यही पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो ये था आपके लिए फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये सारा फॉर्मेट आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए पूरे फॉर्मेट का, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मैं आपको कंसिडर करना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर जो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर ये सारी आइटम्स क्यों प्लस माइनस की है मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। सो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी वीडियो में बताऊँ। सो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपका ये सारी चीज़ें जो है मैं प्रैक्टिकल करवा के न्यूमेरिकल में बताऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट की।